कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ चिकन शामी कबाब, जो बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत झटपट बन जाएंगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले ली, उसको अच्छे से धो ली हूँ, वॉश कर ली हूँ, उसका पानी भी सुखा दी हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 कप जितनी चने की दाल, इसको मैंने कम से कम 1 घंटे के लिए भिगा के रख दी थी, और इसका भी पानी मैंने निकाल दी हूँ, इसको भी इसमें डाल देंगे। और ये मैंने रफली चॉप की हूँ प्याज, ये 1 स्मॉल साइज प्याज है, इसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा काट ली हूँ। ये 2 तेज पत्ता है, ये भी डाल देंगे इसमें। और इसके साथ में अभी डाल देंगे इसमें 2 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डाल दिए। 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी डाल देंगे इसमें, मैं डाल देंगे रेड चिली पाउडर, मैंने ये 1 टीस्पून डाली हूँ। हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, ये भी 1 टीस्पून ही डालेंगे, अच्छा भर के डालेंगे खुशबू आने के लिए। और अब डाल देंगे इसमें नमक, मैंने इसमें डाल दी हूँ 1 टीस्पून जितना नमक। और ये डाल देंगे अखी लाल मिर्च 2। अब मैं चूल्हे को ऑन करती हूँ, सबको अच्छे से अभी मिला लेंगे। चलिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे बस चिकन और दाल को गलने के जितना, और इसको बीच बीच में चेक करते जाएंगे कि पानी सूख तो नहीं गया, बस ये ध्यान रखना है। इसको अभी कवर करके रख देंगे, जैसे ही चिकन और दाल गल जाती है तो आगे का प्रोसेस करते हैं। चलिए देखिए, देखिए माशाल्लाह से, मैंने बीच में इसको खोल कर अभी देखी थी तो हो गई है, देखो दाल भी कितनी सॉफ्ट हो गई है, अच्छे से हो गई है, और चिकन भी जो है वो भी आसानी से एकदम टूट रही है ना, टूट गई। अब इसमें जो ये पानी रह गया है ना, बस इसको सुखा लेंगे और इसी के साथ हम इसको भूनते भी जाएंगे साथ में। देखिए पानी बिल्कुल सूख चुका है, अब इसको ठंडा करके मिक्सर में डाल के इसको पीस लेना है, या प्रोसेसर में जो भी है अवेलेबल उसमें डाल के इसको चला पीस लेना है। इसको मैंने निकाल दी हूँ अलग से प्लेट में ठंडा होने के लिए। देखिए इसको ठंडा करके मिक्सर में अच्छे से हम लोग ने पीस लिए हैं, और अभी इसमें मैं डाल दूंगी 1 अंडा, बस अभी इसमें ये 1 अंडा बाइंडिंग के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए इसमें 1 अंडा मिला देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस। देखिए इसमें मैंने 2 हरी मिर्ची ग्रीन चिलीज है, इसको मैंने अच्छे से चॉप कर ली हूँ, इसको डाल देंगे इसमें। इसमें हरा धनिया और पुदीना दोनों मिक्स है, इसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर ली हूँ, इसको भी डाल देंगे इसमें। और ये अनियन है, प्याज है, इसको मैंने अच्छे से चॉप कर ली हूँ और इसको भी इसमें डाल देंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों को ऐसा ग्रीस कर लेंगे, और बस यहाँ से छोटा छोटा पोर्शन लेंगे और इसको टिक्की बनाते जाएंगे। बस इसे इस तरह से थोड़ा राउंड शेप दे देंगे कबाब को, और इसको रखते जाएंगे साइड 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 पे, ठीक है। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर भी आ गया है इसका, इसको झटपट भी पलटा लेंगे और इसको निकाल लेंगे, जैसे वहाँ का भी कलर चेंज हो जाएगा वो साइड का भी। इस तरह से भी झटपट इसको निकालते जाएंगे, माशाल्लाह ये भी हो गया। Thank you.
देखिए ये कबाब मैं आपको अभी तोड़ के भी बताती हूँ। देखिए माशाल्लाह, देखिए कितनी सॉफ्ट है, कितनी टेस्टी लग रही है अंदर से।